नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। कल राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ लिया। 2005 के बाद अगर कुछ महीनों को छोड़ दें तो भाजपा के सुशील कुमार मोदी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते रहे हैं। लेकिन बिहार में इस बार भाजपा के तरफ से परिवर्तन किया गया है। इस बार सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। सुशील मोदी की जगह भाजपा ने दो नए चेहरों को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया है। वो दो नए चेहरे हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार विधानसभा से चौथी बार विधायक चुने गए हैं। वहीं रेणु देवी बेतिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। तारकिशोर प्रसाद के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। उनके 95 वर्षीय वृद्ध पिता गंगा प्रसाद और माँ सुमित्रा देवी अपने बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक खास लम्हा को याद करते हुए वो बताते हैं कि इलाहाबाद के एक साधु ने कहा था कि उनका बेटा आने वाले भविष्य में बिहार के सत्ता पर राज करेगा। तारकिशोर प्रसाद की मां ने बताया कि संत ने उनसे कहा था कि उन्हें अपने मन का ही करने दीजिएगा, उसके काम में किसी तरह का बाधा नहीं डालिएगा। तारकिशोर प्रसाद के माता पिता उस साधु की बात मानते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में हमेशा उनकी मदद करते रहे। बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले तारकिशोर प्रसाद अनमने ढंग से अपने माता पिता के व्यवसाय में कभी कभार हाथ बटा दिया करते थे। वास्तव में उनका मन भी कभी व्यवसाय में लगा ही नहीं। हालांकि उनके माता पिता को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी और वे तारकिशोर पर दबाव भी नहीं डालते थे। एक और लम्हा याद करते हुए पिता गंगा प्रसाद कहते हैं कि तारकिशोर प्रसाद को महज 3 वर्ष की उम्र में पूरे शरीर पर चेचक हुआ था, बचना मुश्किल था। 45 दिनों के लगातार इलाज के बाद तारकिशोर प्रसाद मौत के मुंह से बाहर आए थे। उनके बचपन की लम्हों को याद करते हुए तारकिशोर के माता पिता बेहद भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके बेटे को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो अपने जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनका बेटा कोई गलती करेगा तो वो उसको जरूर डांटेंगे। वैश्य समाज से आने वाले तारकिशोर प्रसाद कटिहार के मूल निवासी हैं। वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बने तारकिशोर प्रसाद कटिहार से 4 बार विधायक बने हैं। तारकिशोर प्रसाद 1980 से राजनीति में सक्रिय हैं। वो पहली बार 2005 में विधायक बने थे। 2015 में महागठबंधन की लहर में भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तारकिशोर प्रसाद भाजपा के सफल संगठनकर्ता हैं। संगठन में कई पदों पर रह चुके तारकिशोर प्रसाद पार्टी के विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। तारकिशोर प्रसाद अपने स्वभाव और विभिन्न मोर्चों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।